नमस्कार साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं आज तक की ये न्यूज है। पीएम किसान योजना किसानों के खाते में अभी तक नहीं पहुंचे पीएम किसान सम्मान निधि की बारहवीं किस्त के पैसे। तो यहां पर आपको बता दें कि 30 सितंबर आज मतलब कि आज से ये किस्तें डलना शुरू हो गई है। जिनका मतलब भूल एक सत्यापन हो गया है उनको ये किस्तें जारी कर दी गई है, और जिनका अभी भूल एक सत्यापन नहीं हुआ है उनकी किस्त रोकी गई है। तो यहाँ पर बता दें आपको अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर सभी किसानों के भूल एक सत्यापन हो जाएगा और उनकी किस्तें जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि जो 2000 रुपये की राशि है जो 30 सितंबर से जारी कर दी गई, जिनका सत्यापन हो गया है उनकी किस्तें डाल दी गई, और जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनकी अभी किस्तें नहीं डली है। तो इसका कैसे चेक करेंगे कि हमारा सत्यापन हुआ या नहीं हुआ? तो इसके लिए आपके पास में एक पटवारी का फोन आएगा कि आपकी जमीन का नकल आप हमें डालिए, हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास में वह फोन आ चुका है तो आपकी किस्त यहाँ पर जारी कर दी गई है। अगर अभी तक आपके पास में फोन नहीं आया है तो आपकी किस्त अभी रोकी गई है। आपके पास में पटवारी का फोन आएगा तभी किस्त आपको जारी की जाएगी, है ना दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बारहवीं किस्त का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई किसानों के भूल को के सत्यापन नहीं हो पाया, इस कारण से इनकी किस्त अभी जारी होने में टाइम लगेगा। और ऐसे कई फर्जी किसान हैं जो 21 लाख लोग हैं जो अब इसके अपात्र हो चुके हैं बारहवीं किस्त से, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी और फिर भी वो क्या है कि पीएम किसान का लाभ ले रहे थे। तो आप इस लिस्ट में कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम अभी है या नहीं है? तो आपको पीएम किसान की मेन वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पर ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर मिलने के बाद में यहाँ पर जो पीएम किसान की मेन वेबसाइट है वो इस प्रकार से ऑन होकर आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे नीचे आने के बाद में जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो तो अभी आपका चेक होगा नहीं, क्योंकि चेक हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से होगा, है ना। तो एक ऑप्शन है मिलता है फिर अपने पास में बेनिफिशियरी लिस्ट। तो बेनिफिशियरी लिस्ट पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, है ना दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो आपकी तहसील स्तर है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर आपको विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गेट रिपोर्ट पे आपको कर देना है क्लिक। गेट रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। यहाँ पर जिस अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है और आपको पटवारी का फोन आ चुका है तो आप समझ लीजिए कि आपको बारहवीं किस्त मिलने वाली है। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है दोस्तों तो आप आज छोड़ दीजिए कि आपको ये किस्त मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। तो आपको मतलब यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं कि आपको मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी है वो इस प्रकार से है दोस्तों, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।